नमस्कार साथियों श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है जैसा कि साथियों आप सभी को पता है आपके वेटनरी फोर्स के यानी बीएसएफ हो गया डीएसएस हो गया एस एस पी कोई सा भी एग्जाम हो गया, गया वेटनरी से जुड़ा हुआ उससे संबंधित अपन वेटनरी की क्लासेज डेली डालते रहते हैं साथ ही में काफी भाइयों के कमेंट आ रहे थे जनरल अवेयरनेस यानी करंट जो आपकी जीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं उनके ऊपर भी क्लासेस बनाने के लिए तो दोस्तों आज से आपको रेगुलर एक जीके की क्लासेज मिलेगी जनरल अवेयरनेस की और वेटनरी क्लासेज भी आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी तो चलिएगा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारत के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है कौन है द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है तो दोस्तों असम जो राज्य है इसके अंदर भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन है। किया जाता है असम राज्य से ठीक है साथ ही भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आगे अगर आपने शेयर नहीं किया है तो अपने सभी साथी भाइयों के पास में शेयर जरूर कर देंगे और जो आज भाई पहली बार अपने इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ा है चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके चलेगा साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन दो हजार तेईस की मेजबानी किस देश ने की थी फ्रांस भारत जापान या रूस तो दोस्तों शिखर सम्मेलन दो की मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी दो हजार तेईस में जो हुआ था ठीक है इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं दो हजार चौबीस ओलंपिक खेलों का आयोजन कहा किया जाएगा दो हजार चौबीस ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा टोक्यो फेरस लॉस या बर्लिन तो दोस्तों राइट right आंसर हो जाएगा आपका पेरिस के अंदर ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों 2024 में भारतीय संसद का बजट किस तारीख को पेश किया गया था तो दोस्तों पांच जनवरी एक फरवरी दस मार्च या पांच अप्रैल को तो दोस्तों राइट right आंसर हो जाएगा आपका एक फरवरी को 2024 में भारतीय संसद का जो बजट की तारीख है वो पेश किया गया था ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा चंद्रयान थ्री मिशन किस भारतीय एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था तो दोस्तों यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया जो मिशन चंद्रयान थ्री था भारत की कौन सी एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था के किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2024 में कौन सा शहर जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा 2024 में कौन सा शहर होगा जो जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा तो दोस्तों राइट right आंसर हो जाएगा आपका जो रियाद शहर है ये 2024 में जो जी का शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी करेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2024 में भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है सी आपको बताना है 2024 में भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है तो दोस्तों राइट right आंसर हो जाएगा आपका जो डी चंद्रचूड जी हैं ये वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों अगला क्वेश्चन है आपका भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है वह कौन सा है तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका आईएनएस विक्रांत जो है भारत का सबसे पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है मेरे साथियों ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा 2024 में भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है टिहरी बांध सरदार सरोवर बांध नाथपा झांकड़ी बांध या भाकड़ा नागल बांध तो दोस्तों 2024 में भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है टिहरी जो बांध है ये सबसे बड़ा बांध होगा भारत का ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों भारत का 2024 में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र कौन सा है कि जो भारत का है 2024 में ऐसा कौन सा क्षेत्र में तेजी से बढ़ता हुआ है कृषि में आईटी और सॉफ्टवेयर में विनिर्माण में या स्वास्थ्य सेवाओं में तो दोस्तों जो भारत है 2024 में सबसे तेजी से कौन से क्षेत्र में बढ़ता है आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में दोस्तों ये बढ़ रहा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों भारत के किस राज्य में 2024 में सबसे अधिक वन क्षेत्र है कि जो भारत का कौन सा राज्य है 2024 में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र रखता है दोस्तों एमपी जो मध्य प्रदेश है ये भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखने वाला राज्य है मेरे साथियों ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों 2024 में सबसे नया राज्यपाल किस राज्य के नियुक्त किया गया है कि 2024 में जो सबसे नया राज्यपाल जो गवर्नर है किस राज्य के लिए नियुक्त किया गया पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश तमिलनाडु या कर्नाटक के लिए तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल के लिए सबसे नया जो गवर्नर है राज्यपाल है ये नियुक्त किया गया कौन से राज्य के लिए वेस्ट बंगाल बंगाल पश्चिम के लिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा किस देश ने 2024 में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक मानव मिशन भेजने की योजना बनाई है भारत चीन संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस तो दोस्तों 2024 दो में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजने की सफलता पूर्वक योजना बनाई है किस देश के अमेरिका के अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 2024 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व ध्रोवर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है कि 2024 में भारत का कौन सा शहर है जिसको यूनेस्को के द्वारा विश्व ध्रोवर स्थल के रूप में मान्यता दी गई वाराणसी अहमदाबाद मुंबई या जयपुर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर शहर को दोस्तों यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त दी गई है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है शक्तिकांत दास उर्जित पटेल रघुराम राजन अरविंद सुब्रमण्यम तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका कि 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है शक्तिकांत जो दास हैं दोस्तों ये 2024 के भारतीय रिजर्व बैंक के दोस्तों गवर्नर हैं हाल ही में ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि 2024 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है 2024 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है तो राइट आंसर हो जाएगा एंथनी अल्बनीज जो है ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों 2024 में भारत की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे कौन सी है कि 2024 में भारत के अंदर सबसे लंबी जो एक्सप्रेस वे है वो कौन सी है तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है ये 2024 में भारत की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों दो में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था दो का दो नोबेल शांति पुरस्कार है वो किसे दिया गया तो दोस्तों जो है इन्हें 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से दोस्तों अलंकृत किया गया ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों 2024 में भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में शुरू हुआ कि 2024 के अंदर भारत का पहला हाइड्रोजन के द्वारा संचालित ट्रेन है वो किस राज्य में दोस्तों शुरू की गई गुजरात के अंदर महाराष्ट्र के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर या हरियाणा के अंदर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा के अंदर 2024 में पहली हाइड्रोजन के द्वारा संचालित जो ट्रेन है कौन से राज्य में शुरू की गई थी हरियाणा राज्य के अंदर साथियों इसी तरीके से क्वेश्चन पाने के लिए जुड़े रहे श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल के साथ में अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें ज्यादा से ज्यादा क्लासेज को आगे शेयर करने की कोशिश करें, थैंक यू दोस्तों धन्यवाद कंटिन्यू आपको इसी तरीके से क्लासेज मिलती रहेंगी ठीक है